टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं धनिया पत्ते का पराठा। इसके लिए जो सामग्री हमको चाहिए, मैदा, मैदे के बदले आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, धनिया पत्ती जो इसको मैंने ऐसे बारीक बारीक पतला पतला काट लिया है, हरी मिर्च थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिएगा, आप बिल्कुल बारीक मत करिएगा, पेस्ट मत बनाइएगा, हल्का सा दरदरा, नमक, अजवाइन और वाइट ऑयल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा बड़ा पात्र ले लेंगे, इसके अंदर आप डाल लीजिए मैदा या फिर आटा जो भी आपके पास उपलब्ध है। इसमें हल्का सा नमक डाल लेंगे और साथ ही साथ अजवाइन। इसको अच्छे से मिला लेंगे, एक साथ कर लेंगे। नमक को मैदे में बहुत अच्छे से मिला लीजिएगा, चारों तरफ एक जैसा हो। इसके बाद आप इसमें डाल लें धनिया की पत्तियाँ, इसको भी मिला लें। और साथ में हरी मिर्च का जो हमने दरदरा पीस के रखा हुआ है वो, ये तीखा आप उतना डालें जितना आप पसंद करते हो। इस पराठे को आप लोग चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं, झटपट बन भी जाता है और बहुत टेस्टी रहता है। घर में बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। पराठे में तेल से जब आप मोयन डालेंगे इसका, तो इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, पराठा आपका काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। आप देख सकते हैं आटे में तेल बहुत अच्छे से मिल गया है। देखिए आटा कैसे थोड़ा सा फ्लफी हो गया है। अब इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मुलायम आटा गूंथ लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से आटा गूंथा गया है। अब इस पर आप थोड़ा सा हल्के हाथों से ऑयल ऐसे लगा दें और इसको गीले कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसका हम लोग और एक बार अच्छे से मथ लेंगे और उसके बाद इससे छोटे छोटे पराठे के लिए लोई काट के तैयार कर लेंगे। और उसके बाद इसी समय आप तवा बैठा दें गर्म होने के लिए और आप ऐसे लोइयां काट लें। पराठा का है तो थोड़ा सा रोटी के मुकाबले बड़ा बनता है। एक एक करके लोइयां ले और इसको बेल ले, हल्के हाथों से इसको बेल ले। जरूरत के हिसाब से हल्का सा आटा या मैदा ऊपर से छिड़क ले ताकि आपको बेलने में आसानी रहे। इसको अच्छे से दोनों तरफ सेक के हल्का सा ऑयल लगाएं और आप उसको सेक के निकाल लें, लेकिन कोशिश करें कि ऑयल का यूज कम रहे। देखिए मैंने पलट दिया है, पलट के आप दूसरे तरफ का थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ब्रश से आप ऑयल लगा लें।
उसी तरह से दूसरे तरफ भी आप पलट ले और पलट के दूसरे तरफ भी ऑयल स्प्रे करें या फिर ऐसे ब्रश से लगा ले। और दोनों तरफ लाल करके सेक ले। अब देख सकते हैं पराठा अच्छे से सिका गया है और इसको निकाल ले। इस तरह से मैं बाकी के पराठे भी दोनों तरफ तल के आप इसको उतार लें। बनके तैयार है आपकी धनिया पत्ती की पराठे। इसको आप सर्व करें टमाटो सॉस, हरी चटनी या फिर अचार, किसी के साथ भी आप इसको परोस सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबा दें ताकि आगे की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।